सो व्हाट्सअप गाइस, वेल दिस इज ध्रुव गोयल द अकूस्टिक बनिया, और आज का हमारा गिटार लेसन है फ्रॉम द मूवी हैक्ड, विच इज़ एन अपकमिंग मूवी बाय हिना खान। तो गाना यासिर देसाई की आवाज़ में, एंड काफ़ी अच्छा सा, काफ़ी सिंपल सा गाना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल कॉर्ड्स नहीं है, इजी सी कॉर्ड्स हैं यार सारी। और गाना अच्छा लगा तो मैंने बना दिया, और यार एफ माइनर स्केल में ये कॉर्ड्स का जो सेट है वो बार बार रिपीट हो रहा है गाने के अंदर, सो इट्स क्वाइट सिंपल एंड आई गेस गिटार लेसन भी इसका छोटा ही बनेगा। सो एनीवेज, गिटार लेसन को एंड तक ज़रूर देखना यार, अगर तुम्हें ये अच्छी तरह से सीखना है कि कैसे ये गाना है, कैसे गाना है, कैसे बजाना है, पूरा इसका कोऑर्डिनेशन तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ है सीखने को। तो वीडियो में जाने से पहले यार, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाले गिटार लेसन, गिटार कवर्स में जल्द से जल्द मिल जाए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, गिटार लेसन शुरू होने से पहले तो मैं बता दूं कि कैपो जो है हमारा सेकंड फ्रेट पे, मैं इसलिए लगा रहा हूँ ऑल दो ये फर्स्ट फ्रेट पे लगेगा कुछ। ये आपका स्केल विच इज़ एफ माइनर स्केल है, बट मैं इसको एक आगे लगा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द हाफ स्टेप डाउन ट्यून्ड गिटार। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कॉर्ड्स पैटर्न वगैरह सब सेम रहेगा, बस ये कैपो पीछे हो जाएगा, एक एक आपको फ्रेट ऊपर होना है, नथिंग एल्स। तो गाना हमारा कुछ है ऐसा। सो गाइस, यार तुम्हें मैं गाना दिखा चुका, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था बेसिकली, और कॉर्ड्स में मैं दिखा देता हूँ। वेल, जो कॉर्ड्स मैं यहाँ पे सिखाऊंगा तुम्हें प्ले ना करनी आना, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, तुम उसको ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे तुमको एक कॉर्ड्स का मैंने लेसन दे रखा है कैसे ये प्ले होंगी। सो एनीवेज, कैपो का तुम्हें मैं बता चुका कि ये सेकंड फ्रेट पे क्यों लग रहा है, बिकॉज गिटार इज़ माय डाउन ट्यून्ड, तो तुम्हारे लगेगा फर्स्ट पे एंड कुछ चेंज नहीं होने वाला, बाकी सब सेम रहेगा। सो यार, हमारी फर्स्ट कॉर्ड हमारी कौन सी है, ई माइनर। ओके, ई माइनर इज़ द फर्स्ट कॉर्ड, डायग्राम ऊपर तुम्हें आ ही रहा है, और कॉर्ड के लेसन का मैं तुम्हें बता चुका डिस्क्रिप्शन के लिंक का। सेकेंड कॉर्ड इज़ डी मेजर, थर्ड कॉर्ड इज सी मेजर, फोर्थ कॉर्ड बी माइनर, फिफ्थ जो कि बहुत कम लग रही है बट लग जरूर रही है, विच इज ए माइनर, मतलब हल्का हल्का से इसका हाफ हाफ का यूज होएगा, मतलब नेग्लिजिबल है यार, मतलब कहीं कहीं शायद इग्नोर करने लायक भी हो, बट है जरूर ए माइनर। तो पांच कॉर्ड्स इसमें ई माइनर, डी, सी, बी माइनर एंड ए माइनर। सो कॉर्ड्स में मैंने दिखा दिया, अब इसकी स्ट्रमिंग तो मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रमिंग इज क्वाइट सिंपल, विच इज अपना दिल को किसी की आदत अपना फिर से कभी मोहब्बत हो। डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप डाउन अप। तो मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप डाउन अप। कैसे, थोड़ा सा फास्ट चलेगा। अपना दिल को किसी की आदत अपना फिर से कभी मोहब्बत। तो ये इसकी यार कुछ स्पीड रहेगी, और अगर तुम इसको स्लो में करना है ना, तो कुछ आई गेस इसको ऐसे चला सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अब ना दिल डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, यार वही आ रही है, मतलब कुल मिलाकर सॉरी।
सो एनीवेज तुम्हें अब मैं इसका दिखाता हूँ यार सॉन्ग पार्ट. वेल इसको यूज़ करना यार काफ़ी इजी कॉर्ड है, मतलब तुम्हारा एक बार बस एक बार हाथ बैठना है इसके बाद और यू आर गुड टू गो, मतलब तुम्हारा गाना हो जाएगा. एंड सॉरी फॉर द टाइम वेस्ट, मैं मतलब ट्राई कर रहा था यार एक तुम्हें कोई और स्ट्रमिंग मिल सके. डाउन स्ट्रोक्स यूज़ कर लेना यार इसके और क्या, और अगर और कोई दिमाग में आएगी तो मैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर मैंशन कर दूंगा. इतने मैं तुम्हें अब सॉन्ग पार्ट दिखाता हूँ. ओके सो गाइस, कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पैटर्न तुम देख चुके एंड गाना काफ़ी सिंपल, मैं जैसा तुम्हें कह रहा था कॉर्ड्स काफ़ी सिंपल थी. सो गाना हमारा शुरू होता है अब ना दिल को ई माइनर से, किसी की आदत हो डी सेकंड लाइन, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो. तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिया स्टार्टिंग में ई माइनर, अब ना दिल किसी से चाहत हो डी, अब ना फिर से, फिर के से वाले पार्ट पे यहाँ पर आएगा अब ना फिर से, ठीक है, कभी मोहब्बत हो. कभी मोहब्बत वाले पार्ट में ना तुम्हारे पास एक चॉइस है कि तुम इसको बी माइनर ई माइनर करना चाहते हो या फिर सिर्फ बी माइनर पे प्ले करके इसको लीव करना चाहते हो, मतलब अब ना फिर से कभी मोहब्बत. फर्स्ट ऑप्शन ये है कि तुम बी माइनर पे गा के इसको लीव कर दिया. सेकंड ऑप्शन अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो, यहाँ पे तुमने क्या करा, यहाँ पे तुमने मोहब्बत हो वाले पार्ट पे तुम वापस इसको ई माइनर पे ले आए. तो यही थी एक छोटी सी चॉइस थी, मतलब तुम दोनों इसको यूज़ कर सकते हो मेरे को, क्योंकि दोनों सही लगे. थोड़ा सा तुम्हें सुर का फ़र्क देखेगा क्योंकि तुम बी माइनर से ई माइनर में जा रहे हो और वहाँ पे तुम सिर्फ बी माइनर पे स्टिक करके बैठे हो. सो चॉइस है तुम्हारी, देख लेना तुम्हें कौन सा बेटर लग रहा है. इसके बाद अब हमारा पार्ट आ जाता है इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो. सो इतनी भी ख्वाहिश डी ना रही सी किसी से चाहत हो, ठीक है. फिर हमारा फिर से तेरी मुझको नाब जरूरत हो, अब ना फिर सी कभी मोहब्बत. तो यही पार्ट था हमारा इंट्रो का, पूरा इंट्रो एंड वर्स का. सो यार इस पार्ट को ना तुम ज़रूर याद कर लेना स्टार्टिंग, इंट्रो की स्टार्टिंग से वर्स तक, बिकॉज ये तुम्हारा बहुत ज़रूरी पार्ट है. आगे जो है ना स्टैंजा में बहुत छोटा सा पार्ट है, सिर्फ ई माइनर डी सी एंड ई माइनर, इतना सा पार्ट है स्टैंजा में जो तुम्हें याद करना है. उसके बाद तुम्हें वापस इसी पूरे को प्ले करना है जो मैंने तुम्हें सिखाया ना अभी इंट्रो से लेके यहाँ तक, इस पूरे को तुम्हें फिर से प्ले करना है और यही तुम्हारा गाना बनेगा पूरा का पूरा. सो स्टैंजा में तुम्हें दिखाता हूँ कैसे. स्टैंजा इसका काफ़ी सिंपल सा है, दर्दों के साए में. सो ई माइनर, लेट मी चेक द लिरिक्स जस्ट अ सेकेंड. या दर्दों के साए में मिलती अब राहत है. सो दर्दों के ई माइनर में मिलती अब डी राहत है, तेरी तमन्ना तेरी तम सी तेरी तमन्ना नहीं. ओके देन इसको रिपीट करोगे तुझसे जुदा होके सीखा डी ना तेरी सी ई माइनर. फिर हमारा भाई इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो, जो तुम्हें स्टार्टिंग से कहा था डी सी एंड बी माइनर, इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो. ये पार्ट हमारा, फिर दिल पे तेरी नाब हुकूमत हो, जो तुम्हारा इंट्रो में तुमने वो बजाया था ना अब ना दिल को किसी की आदत हो, तो वही वाला पार्ट अब तुम फिर से यहाँ पर प्ले करोगे एंड इट विल बी सेम कॉपी पेस्ट. तो यहाँ पे तुमने स्टैंजा के एंड में कैसे इसको एंड करा, स्टैंजा को हमने एंड करा वही सेम ई माइनर डी सी, फिर वो जो मैंने तुम्हें चॉइस बताई थी बी माइनर एंड ई माइनर. बस यही था हमारा सॉन्ग, इतना सा था, काफ़ी छोटा सा सॉन्ग है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. एंड मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था
बहुत इजी सॉन्ग है यार. सो गाने का लेसन यार इतना ही था. और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर देना एंड लेट मी ग्रो मोर, ताकि मैं तुम्हें और ज़्यादा गिटार लेसन दे सकूँ और बहुत सारे लोगों को और भी बड़ी ऑडियंस को. सो एनीवेज समझ गए होगे और कर भी दिया होगा तुमने अब तक, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगली सारी जो वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए और तुम उसको और भी आगे देखते रहो और भी सीखते रहो और भी शेयर करते रहो. सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर इस वीडियो से तुम्हारी हेल्प हुई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर 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 कर देना. एंड गाना अपकमिंग है वो काफ़ी अच्छा गाना है, उसको भी ज़रूर सुनना. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.